बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आईक्यू जोन में आप सब दोस्तों को वेलकम करती हूँ। हमारी आज की वीडियो इस्लामियत के जनरल नॉलेज के बारे में है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, तमाम फरिश्तों का सरदार कौन सा फरिश्ता है? तो इसका जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। हमारा दूसरा सवाल है, कुरान मजीद की सूरत यासीन में कुल कितने हरूफ मौजूद हैं? तो इसका जवाब है सूरह यासीन में 3000 हरूफ मौजूद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुर्दों को गुस्ल कौन देता था? तो इसका जवाब है हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारा अगला सवाल है, खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ मदफन है? तो इसका जवाब है जन्नत अल बकी मदीना शरीफ में। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कौन सा मुसलमान सबसे अफसल है? तो इसका जवाब है वो मुसलमान जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों वो सबसे अफसल इंसान है या मुसलमान है। हमारा अगला सवाल है, किस औरत के कान सबसे पहले छीदे गए थे, के कान बिंदे गए थे सबसे पहले? तो इसका जवाब है बीबी हाजरा के कान सबसे पहले छिदवाए गए थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है सलात, अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानब। हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले खुदा की राह में किसने जहाद किया था, कि नबियों में सबसे पहले जहाद शुरू किसने किया? तो इसका जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की राह में जहाद शुरू किया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, झूठ बोलने से फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं, कि इंसान जब झूठ बोलता है तो फरिश्ते कहाँ चले जाते हैं, कितनी दूर चले जाते हैं? तो इसका जवाब है 1 मील तक फरिश्ते दूर चले जाते हैं इंसान से। हमारा अगला सवाल है, एक लुकमा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? तो इसका जवाब है 40 दिन की नमाज और 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारा अगला सवाल है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसने शहीद किया? तो इसका जवाब है सुदाम बिन अमरान ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया था। हमारा अगला सवाल है, ग़ारे हिरा की लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस्लामियात का। तो इसका जवाब है 4 गज। ग़ारे हिरा की कुल लंबाई 4 गज है। हमारा अगला सवाल है, क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज है? जनरल नॉलेज का ये भी अहम सवाल है। तो इसका जवाब है जी नहीं, हराम है। हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले सुभान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों कहा था? तो इसका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा जब उसमें रूह फूंकी गई थी, तो उस वक्त सुभान अल्लाह बोला था। हमारा अगला सवाल है, वो कौन सा मज़हब है इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है? तो इसका जवाब है हमारा प्यारा इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हमारा अगला सवाल है, वो कौन सी जगह है जहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते या नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है? तो इसका जवाब है खाना काबा की छत, यहाँ पर कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकता। हमारा अगला सवाल है, ठगों का शहर किसे कहा जाता है? जनरल नॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो इसका जवाब है भारत का शहर बनारस। हमारा अगला सवाल है, पहला हथियार किसने बनाया था? इसका जवाब है हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे।